दोस्तों स्वागत है आपको इस वीडियो में। मैं हूं शत्रुघ्न यादव। यह जो वीडियो है भूगोल सब्जेक्ट का है और भूगोल सब्जेक्ट का जो पॉइंट है वह महादेश या महाद्वीप। जो सातों महाद्वीप है उसमें सात पॉइंट को जानेंगे और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी भी परीक्षाओं के लिए काफ़ी यह महत्वपूर्ण है। देखिए कैसे इन महादेशों को मैं सजाया हूँ, सात महादेश हैं और क्षेत्रफल के दृष्टि से क्रम से सजाया हूँ। और इसमें सबसे बड़ा देश, सबसे छोटा देश, पर्वत की ऊंचाई, सबसे लंबी नदी, गहतम बिंदु, अगहतम बिंदु की गहराई, ये सात पॉइंट इन सातों महादेशों के बारे में आज जानने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी जो है यूज़फुल है, तो इसको देख लीजिए। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर एशिया के बात करते हैं, तो एशिया में सबसे बड़ा देश चीन है, सबसे छोटा देश मालदीव है, पर्वत सबसे ऊंची पर्वत है माउंट एवरेस्ट, और यहाँ पर ऊंचाई है 8850 मीटर माउंट एवरेस्ट की। सबसे लंबी नदी यांगसी है और गहतम बिंदु है डेड सी, जिसको मृत सागर कहते हैं, और गहराई मृत सागर की 397 मीटर है। तो ये हो गया एशिया का। क्या हुआ, सबसे बड़ा देश चीन, सबसे छोटा देश मालदीप, पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है ना, सबसे लंबी नदी यांगसी, और गहतम बिंदु डेड सी यानी मृत सागर, और मृत सागर की गहराई कितनी है 397 मीटर। ये एशिया के बारे में हो गया। अब दूसरा है अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, सबसे छोटा देश मेओटो, पर्वत है माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई है 5895 मीटर, और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है नील नदी, और गहतम बिंदु है आइस झील की गहराई है 156 मीटर। तो ये दोस्तों हो गया अफ्रीका का। क्या हुआ अफ्रीका में, सबसे बड़ा देश अल्जीरिया, छोटा देश मेओटो, पर्वत माउंट किलिमंजारो की ऊंचाई 5895 मीटर, और सबसे लंबी नदी नील नदी, गहतम बिंदु आइस झील, और गहतम बिंदु की गहराई जो है 156 मीटर। ये हो गया अफ्रीका का। चलिए अगला बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का। चूंकि ये क्षेत्रफल के क्रम में सजाया हुआ है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिक, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। तो अब बात करते हैं उत्तरी अमेरिका का। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है, सबसे छोटा देश सेंट पीरे, पर्वत है माउंट मैकिनले, और मैकिनले का जो ऊंचाई है वह 6194 मीटर, और इसकी जो है सबसे लंबी नदी है मिसौरी। उत्तरी अमेरिका का सबसे लंबी नदी है मिसौरी, और गहतम बिंदु है डेथ वैली, और गहराई कितनी है 86 मीटर। तो ये हो गया उत्तरी अमेरिका के बारे में। क्या हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, बड़ा देश कनाडा, छोटा देश सेंट पीरे, पर्वत माउंट मैकिनले, पर्वत की ऊंचाई 6194 मीटर, सबसे लंबी नदी मिसौरी है ना, गहतम बिंदु डेथ वैली, और गहराई है 86 मीटर। चलिए अगला बात करते हैं दक्षिणी अमेरिका में, जो चौथा नंबर पर है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश है फोकलैंड द्वीप, और पर्वत है ओजेस डेल सलाडो, और इसकी ऊंचाई है 7084 मीटर यानी 7084 मीटर, और सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, और गहतम बिंदु है बॉल्डस पेनी, और इसकी जो है गहराई 40 मीटर है। तो दक्षिणी अमेरिका में आप क्या देखें, देखिए सबसे बड़ा देश ब्राज़ील, सबसे छोटा देश फोकलैंड द्वीप, और पर्वत है ओजेस डेल सेलेडो, और पर्वत की ऊंचाई है 7084 मीटर, सबसे लंबी नदी है अमेजन नदी, कहाँ की, दक्षिणी अमेरिका की, और गहतम बिंदु है बॉल्डस पेनिन, और इसकी गहराई है 40 मीटर। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं पांचवा जो महादेश है वह है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक का सबसे बड़ा देश है ही नहीं, सबसे छोटा देश है ही नहीं। अंटार्कटिक तो बर्फ से घिरा हुआ है, बर्फों का ये जो है पूरा बर्फ का ही बना हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है अंटार्कटिक, यहाँ कोई देश नहीं है। हाँ, पर्वत है बिंसन मासिप, इसकी ऊंचाई है 5140 मीटर, और सबसे लंबी नदी है ओनेक्स, और गहतम बिंदु है बेंटल ट्रेंच, और इसकी गहराई है 2853 मीटर। चलिए देखिए अंटार्कटिका को एक बार फिर से, अंटार्कटिका में कोई देश नहीं है इसलिए बड़ा और छोटा देश नहीं होगा। यहाँ पर्वत होगा बिंसन मासिप, और पर्वत की ऊंचाई है 5140 मीटर, और इसकी जो सबसे लंबी नदी है ओनेक्स है,
और गंतव्य बिंदु है बेंटल ट्रेंच और इसकी गहराई है 2853 मीटर। तो ये हो गया अंटार्कटिका का। अब छठा में देखते हैं यूरोप। छठा नंबर में क्या है? यूरोप। यूरोप की सबसे बड़ा देश रूस है, सबसे बड़ा देश रूस, और सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। पर्वत माउंट एल्ब्रुस, इसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, और सबसे लंबी नदी है वोल्गा, यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा, और गहतम बिंदु है कैस्पियन सागर जिसकी गहराई है मात्र 28 मीटर। तो ये हो गया यूरोप के बारे में। तो यूरोप के बारे में एक बार फिर से, सबसे बड़ा देश रूस, सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, पर्वत माउंट एल्ब्रुस जिसकी ऊंचाई है 5642 मीटर, और सबसे लंबी नदी वोल्गा, और गहतम बिंदु है कैस्पियन सागर और जिसकी गहराई है 28 मीटर, है ना। और सबसे छोटा जो महादेश है वह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया नाम का ही सबसे बड़ा देश है, और सबसे छोटा देश है नौरू, और इसका माउंट कोसयुस्को, माउंट कोसयुस्को जो है इसका पर्वत का नाम है सबसे ऊंची, और इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर यानी 2228 मीटर, ठीक है। सबसे लंबी नदी है मर्रे, और गहतम बिंदु है आयर झील। आयर झील की गहराई कितनी है? 16 मीटर। तो दोस्तों ये था ऑस्ट्रेलिया का, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा देश नौरू, पर्वत माउंट कोसयुस्को, और पर्वत की गहराई 2228 मीटर, इसी का गहराई दिया हुआ है। सबसे लंबी नदी मर्रे, और गहतम बिंदु है आयर झील जिसकी गहराई है 16 मीटर। तो दोस्तों ये था सातों महादेश के बारे में सात बिंदु। इस बिंदु से हमेशा पॉइंट क्वेश्चन आता है। हमेशा देखिए, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी, जैसे पीसीएस की भी अगर यदि आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, प्रत्येक में ये पूछा जाता है, प्रत्येक एग्ज़ाम में, चूँकि ये मेन बेसिक है जो महादेश का, ये सातों महादेश का जो ये पॉइंट है सात को, ये जो है मेन बेसिक होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होती है, हर एक विद्यार्थी को यह जानना ज़रूरी होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी खास टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।